आदाब नमस्कार, अवामी इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस्तकबाल में डॉक्टर इस्माइल आपके साथ में। कल माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का बजट पेश किया। बजट को लेकर के माइनॉरिटी के अंदर एक नाराज़गी लग रही है। उन्होंने कहा कि उर्दू तालीम को लेकर और टीचर्स को, उर्दू टीचर्स और पैरा टीचर्स को लेकर के माइनॉरिटी के लिए कहीं पर भी बजट के अंदर गुंजाइश नहीं रखी गई है। इसके अलावा उर्दू शिक्षा को लेकर के बिल्कुल ही इन्होंने दरकिनार किया है। ख़ास तौर से मदरसा नाम इस बजट से हटा दिया। लोग काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी लोगों में गुस्सा है। हमने कई लोगों से बातचीत की है, उन्होंने अपना जो ख्याल है वो इजहार किया है कि किस तरीके से आगे कांग्रेस को इस बजट के बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रस्तुतिकरण किया है तो उनका जो बजट भाषण है उसके पृष्ठ संख्या 40 और बिंदु 112 पर जो छात्रावास मद में 62 करोड़ के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ना तो इसमें विशेष रूप से चिकित्सा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, रोज़गार है, उर्दू भाषा है, उसका उत्थान है, उर्दू टीचर्स पैरा टीचर्स हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका कोई समाधान इस बजट के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि 95% मुस्लिम्स का के द्वारा ये चुनी हुई सरकार है। बजट बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। जो अपेक्षाएं की गई थी उसके ऊपर ये 5% भी खरा नहीं उतर पा रहा है। इसके मुकाबले में कुछ कुछ बिंदु अगर देखते हैं कि 100 करोड़ का बजट SC ST विकास कोष और 10 करोड़ का बजट उनके उत्थान कोष के लिए दिया गया है, 200 करोड़ का गुजर देव नारायण योजना के तहत दिया गया, देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्पसंख्यकों को इन जो है केवल मात्र 62 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। घुमक्कड़ जातियों के उत्थान के लिए 50 करोड़ है, जबकि ना तो आवास है, भूखंड है, उसका नियमितीकरण है और मूल जो पिछड़ापन है, आर्थिक सहायता और सहयोग है, इसकी जो अपेक्षाएं थी मुख्यमंत्री जी से वो बिल्कुल नगण्य और बिल्कुल हुई है। और निश्चित रूप से इसके आने वाले दिनों में जो ये परिस्थितियां हैं उससे और भी कांग्रेस पीछे जाती दिखाई दे रही है। कब्रिस्तानों को लेकर के भी कोई इस तरीके की कोई कुछ नहीं किया गया, तो जब जीवित लोगों का ही विकास के बारे में कुछ नहीं है तो कब्रिस्तान का तो कहाँ आया, जबकि उसके आवंटन के बारे में भी कहा गया था शिक्षा का जो है उत्थान करने के लिए और कब्रिस्तानों के लिए और अधिक भूमि मांगी गई थी, उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। एक सवाल और जी, इस बार बजट पेपरलेस रहा जी और सरकार ने उनके हाथ में टैबलेट दी, क्या कहना चाहेंगे उस मामले में? दूसरा, 9 विधायक मुस्लिम हैं जी, और क्या उनके जो बजट उनके मुताबिक है या नहीं, ये क्या कहना चाहेंगे आप उसको? देखिए, बजट तो किसी भी एतबार से मुस्लिम समाज के एतबार से है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो 9 विधायक हैं उनको एक एक एप्पल का टेबलेट दे करके जी, ये जो 9 मुस्लिम विधायक हैं, सरकार ने जो बजट पेश किया है, इन 9 मुस्लिम विधायकों को जनता के सामने बोलने के काबिल नहीं छोड़ा, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। ये हमारे लिए बड़े हैरत और अफसोस की बात है। विधानसभा पहली बार पेपरलेस हुई है, टैबलेट दिया है, क्या कहना चाहेंगे उसको? भाई, पेपर ये टैबलेट देना कोई ऐसी बात नहीं है, इसके मुकाबले में तो जो विधायकों को देखिए, बजट के अंदर पेपरलेस जो बजट आया है उसके अंदर जनता को कुछ मिला है या नहीं मिला है, लेकिन विधायकों को एप्पल का एक एक टेबलेट जरूर मिल गया है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा के अंदर 2021 और 22 का जो बजट पेश किया है, इस बजट के अंदर मदरसा तालीम और उर्दू तालीम के साथ में अकलियत के हवाले से मुसलमानों के जितने भी जो सूबे हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे हज कमेटी हो, वक्फ विकास परिषद हो या अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम हो, तालीमी क्षेत्र में देखा जाए तो मुसलमानों के साथ चुनाव घोषणा पत्र के वादों के मुताबिक मदरसा पैराट को नियमित करने के ऊपर भी कोई खास तवज्जो नहीं दी गई है।
यहाँ तक कि मदरसा पैराटिस का जो ओलेरियम मानदेय वो 7,000 से 9,000 रुपये मिल रहा है, उसको भी बढ़ाया गया है। और मदरसा पैराटिस के जो वार्षिक मानदेय वृद्धि हो रही थी 400 रुपए की, उसको बढ़ाकर के 1,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की उम्मीद लगा रखी थी, उसको भी मुख्यमंत्री जी ने बहाल नहीं किया गया। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने, जो कि पूरे राजस्थान के अंदर उर्दू तालीम जो दम तोड़ रही है, उर्दू टीचर्स के टीचर ग्रेड थर्ड सेकेंड और फर्स्ट ग्रेड के पदों की तकरूरी का ऐलान नहीं किया गया, दर्जा 1 से 5 तक की जो सूबे की राजस्थान की सरकारी स्कूल से उर्दू तालीम को खत्म कर दिया गया, उसको बहाल पर भी किसी तरह का बजट घोषणा में जिक्र नहीं किया है। ऐसे में राज्य के जो बजट पेश किया गया मुख्यमंत्री ने, मुसलमानों की अनदेखी की गई है। हम लोग पूरे राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ और राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ के साथ में जितने भी मुस्लिम समाज के मुख्तलिफ तंजीमें उनके साथ मिलकर के कल 25 फरवरी को शाम को 4 बजे ईदगाह रोड के ऊपर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा, इस बजट का विरोध किया जाएगा, बजट के जो प्रति है उसको जला करके एहतजाज दर्ज कराएंगे और मुख्यमंत्री से अपील की जाएगी कि वो बजट बहस के जवाब में जो हमारी अकलियत के हवाले से जो मांग है, जो अभी गुज़िश्ता दिनों में जो उर्दू तालीम और मदरसा तालीम को लेकर के जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दौरान जो मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जो पेश किया गया है, उसकी 1-to-1 सभी मांगों को मुख्यमंत्री महोदय बजट बहस के जवाब में इसको शामिल करें। अगर फिर भी मुख्यमंत्री महोदय हमारे अनदेखी करेंगे इस अकलियत की, मुसलमानों की खासतौर से, तो पूरे सूबे के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, गांव गांव ढाणी ढाणी तहसील और जिला स्तर पर भी इस विरोध प्रदर्शन को आगे बादस्तूर जारी रखा जाएगा। अमीन कायम खानी, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ। ये थे माइनॉरिटी के लोग जिम्मेदार, जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम सबसे ज्यादा वोट पोलिंग जो होती है वो माइनॉरिटी की होती है, मुस्लिम समुदाय की होती है, उसके बावजूद मुस्लिम समुदाय को बिल्कुल दरकिनार किया गया है। आगे क्या होगा, आने वाले उसके विधानसभा जो उपचुनाव होने वाले हैं उनके अंदर क्या नतीजे निकलेंगे ये तो वक्त बताएगा, मगर लोगों ने एक चीज़ का संदेश जरूर दे दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जो दरकिनार मुसलमानों को किए हैं उसका खमियाजा आने वाले विधानसभा में इनको उठाना पड़ेगा और नई पार्टी की समर्थन में शायद लोग उतरने को तैयार हैं और नई पार्टी जो भी आएगी वो कांग्रेस को नुकसान ही पहुंचाएगी।